सुप्रभात आप सभी नवम वर्ग के जिज्ञासु विद्यार्थियों का आज इस ऑनलाइन क्लास में सुस्वागत है। आज संस्कृत व्याकरण के इस भाग दस में मैं लता आकारान स्त्रीलिंग शब्द से परिचय कराता हूं। मेरे सुभिक्षु विद्यार्थी, आप जानते होंगे कि जो शब्द रूप है वो शब्द रूप लिख दिया जाए। शब्द रूप जो होते हैं उसकी संस्कृत व्याकरण में अहम भूमिका होती है और इसके द्वारा ही हम किसी बड़े से बड़े या फिर छोटे से छोटे संस्कृत शब्दों का सरलार्थ सुगमता से कर पाते हैं। तो लता शब्द के माध्यम से जो आकारांत यानी आकारांत का अर्थ हुआ कि जिसका अंत आकार से हो यानी आ से हो, नहीं समझे? मतलब जैसे अगर आप लता बोलते हैं, लता को ता बोलते रह जाएंगे तो ता नहीं रह जाएगा, वो हो जाएगा आ। ता क्या हो जाएगा? आ। बोल करके देखिए, लता आ हो गया। तो आ को आकार कहते हैं, आ को आकार कहते हैं। आ जोड़ अंत यानी उससे अंत होता है, इसलिए हम आकार अंत कहते हैं। और लता प्राय आपको मैंने ऐसे भी बताया था कि जब आ लगा रहे तो वह प्राय ऐसे शब्द स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। तो लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप को मैं यहां लिख रहा हूं और इससे आपको काफी मदद मिलेगी। इसके बाद में और भी स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे नदी है और साधु है, ये तीन शब्द आपको पढ़ना है, लता नदी और साधु। तो पहले हम लता को लिख लेते हैं। आइए चलिए कागज कलम निकालिए और इसको हम लिखते हैं, आप भी लिखिए। जैसे यहां लिखते हैं लता, लते, लता। मैं बताता चलूं कि ये जो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन है, ये कारक के जो आठ भेद होते हैं उन्हीं के चिन्हों पर आधारित ये शब्द रूप होते हैं। इनके जो अर्थ निकलेंगे उन्हीं कारक के चिन्हों पर आधारित होगा। तो प्रथमा में यानी कर्ता में लता लते लता और द्वितीया में लगा लताम लते लता। देखिए ये दोनों है सो एक समान है, ये वाला भी और ये वाला, याद करना आसान होगा नहीं? अच्छा, लता लते लता है, लताम लते लता है। अब यहां से टर्न हो जाता है लतया, यहां हो जाएगा लता भयान, द्वितीय में हो जाएगा लता भयान और इसमें हो जाएगा बहुवचन में लता भी है। लता लता लते लता लताम लते लता म ठीक से दिखाई दे रहा है ना? म अब तो दिखाई दे रहा होगा, लताम लते लता लतया लताभ्याम लता फिर चतुर्थी में हो जाएगा लता यही लता यही और इसमें सेम हो जाएगा लता भ्याम, इसमें हो जाएगा लता भ्याम, इसमें हो जाएगा लता भ्या।
बहुवचन हो जाएगा का भ्यः लतायै लताभ्याम लताभ्यः। इसके बाद हो जाएगा पंचमी में लताया लता या हो जाएगा लताभ्याम। लता भ्याम आयुष में लता भ्या होगा लता भ्या। अब देखिए ये तीनों एक समान है कि नहीं, आइए दोनों एक समान है तो इस तरह से याद करना आसान होगा। द्वितीया का प्रथमा द्वितीया और सॉरी द्विवचन में प्रथमा द्वितीया और द्विवचन में तृतीया चतुर्थी और पंचमी एक जैसा है। फिर आपको प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में एक जैसा है और फिर आपको ये बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी का एक जैसा है तो ये याद करना आसान रहेगा। अब षष्ठी में लिए चलते हैं लताया षष्ठी में क्या होगा लताया यानी पंचमी और षष्ठी एक जैसा है लताया लताया और इसमें हो जाएगा लतायो इसमें क्या हो जाएगा लतायो इसमें हो जाएगा लताना ये षष्ठी का बहुवचन में नाम जरूर आता है अंत में याद रखिएगा। कोई भी शब्द रूप हो षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन आवे तो नाम जरूर आ जाता है जैसे बालका नाम बालक शब्द में आपने पिछली बार पिछले भाग में आपने देखा होगा उसमें भी बालका नाम आता है। सप्तमी में आते हैं इसमें हो जाएगा लतायाम लता याम आई सेम हो जाता है द्विवचन में लतायु। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सब एक जैसा है यहां दो यहां तीन यहां दो दो तीन दो इस तरह से द्विवचन में एक जैसा रूप चलता है। आई इसमें दो फिर छूट गया फिर दो इसमें नहीं होगा ये सप्तमी के बहुवचन रहेगा लतासु। मेरे शुभेच्छु विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि इसमें दंत स होता है बाकी सब में मूर्धन्य ष होगा लेकिन यहां दंत स होगा। क्वेश्चन एराइज होता है कि आखिर ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि दंत स का प्रयोग वहां होगा जब स्थिति बनेगी कि वो शब्द जिसमें लग रहा है दंत स वो उसके अंत में आ जरूर आवे क्या आवे आ तो जब आ जाए तो वहां हम दंत स का प्रयोग करेंगे और बाकी में मृदंग संबोधन में हो जाएगा हे लते हे आपका संबोधन का चिन्ह है हे क्या है संबोधन हे लते यहां संबोधन का ऐसा चिन्ह देंगे आ फिर यही हे लते हे लते यहां हो जाएगा हे लता हे लता हेलते हेलते हे लता। एक बार इसको पढ़ने का तरीका जान लीजिए लता लते लता लताम लते लता लतया लताभ्याम लताभिः लतायै लताभ्याम लताभ्यः लतायाः लताभ्याम लताभ्यः लतायाः लतयोः लतानाम लतायाम लतयोः लतासु हेलते हेलते
हे लता, लता ने दोनों लताओं ने, लताओं ने हिंदी हो गई, लता को दोनों लताओं को, लताओं को लता से द्वारा जरिए, दोनों लताओं के द्वारा जरिए, लताओं से लताओं के जरिए, लताओं के, लता के लिए, दोनों लताओं के लिए और लताओं के लिए, लता से जुदाई के अर्थ में, दो लताओं से जुदाई के अर्थ में और लताओं से जुदाई के अर्थ में, षष्ठी लता का, दोनों लताओं का और लताओं का, लता में लता पर, दोनों लताओं में दोनों लताओं पर, लताओं में लताओं पर। आइए तो संबोधन है, ये तो इसके हिंदी की क्या बात है, इसमें तो संबोधन होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसी प्रकार से हिंदी अन्य शब्द रूपों का भी इसी प्रकार से हम कर लेते हैं। ध्यान रहे कि कारक के चिन्हों को अगर आप याद रखे हुए हैं तो सारा का सारा हिंदी कर सकते हैं, वाक्य को जितने भी गद्यांश है उसको हिंदी करने में, श्लोक है उसको हिंदी करने में बहुत ये सहायक सिद्ध होगा लता। चलिए अब आपको हम अगले शब्द रूप की ओर रुख करते हैं। अगला है नदी, बताए थे ना नदी, लेकिन नदी कहने पर तो आ नहीं होता है, तब क्या होता है, द में दीर्घ ई है तो यहां दीर्घ ई कर देंगे, इसको लिखेंगे कैसे, इसको मिटा देंगे, यहां लिखेंगे, लिख रहे हैं ना आप लोग, हाँ लिखते रहिए, यहां दीर्घ ई लिखेंगे, यहां दीर्घ ई कर देंगे तो इकार हो गया, इकार से अंत हो रहा है, जैसे नदी ई से अंत हो रहा है तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, अब नदी के रूप चलेंगे ना, इसलिए यहां मिटाना तो जरूरी हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे रूप बदल जाएंगे। अब यहां हम लिखते हैं इसको, देखिए यहां लिखेंगे नदी, नद्यौ नद्यः, नदी नद्यौ नद्यः, नदीम क्या हो जाएगा, नदीम आयजों का त्यों, नद्यौ नदीम नद्यौ नदी, यहां नदी हो गया, नद्यह नहीं हुआ, सलता है यहां था, लता है यहां था, ऐसा नहीं हुआ, यहां नद्यह है यहां नदी हो गया। अच्छा अब यहां हो जाएगा नद्या नदी, गांव नदी है, तो क्या हो जाएगा नद्या नदी भ्याम, नदी भ्याम नदी भ्या, नदी भ्या नद्या नदी भ्याम नदी भ्या, चतुर्थी भक्ति में हो जाएगा नद्यै, कह जाएगा नद्यै, आई तो जान ही रहे कि जो कहते होता है, जैसे लता में हुआ था, बालक में हुआ था, नदी भ्याम उसमें लता भ्या था ना, हाँ गलत हो रहा है, हाँ नदी भी है नाम बोले थे, सॉरी बोले थे क्या लिख दिया, क्या नदी भी हो गया, नदी यहां हो जाएगा नदी भ्या, चतुर्थी में ना हो जाता है, हाँ तृतीय में तो भी होता ही है। चलिए फिर से देख लीजिए, नद्या नदीभ्याम नदी भी नद्या नदीभ्याम नदी भ्या, पंचमी हो जाएगा नद्या, पंचमी हो जाएगा नद्या, जो का त्यों हो जाएगा
नदीभ्याम और बहुवचन में भी ज्यों का त्यों हो जाएगा, ऊपर वाला है नदीभ्यः। अब षष्ठी में नद्याः जो पंचमी में है वही षष्ठी में भी होता है। नद्याः दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ इसको ठीक कर रहे हैं। नद्याः यहां जगह नद्योः, देखिए चेंज हो गया नद्योः। षष्ठी बहुवचन तो नाम होवे करता है, आप जान ही रहे, बता दिया हम ना, नदी नाम, नदी नाम। आज सप्तमी हो जाएगा नद्याम, जिस उसमें लतायाम था हो जाएगा नद्याम। आई सेम थिंग हो जाएगा नद्योह, नद्योह यहां हो जाएगा नदी। देखिए विद्यार्थी, उसमें बताए थे कि आकार अंत रहे आ रहे तो दंश, अब देखिए दीर्घायी हो गया अमृधनुष होने गया, केवल आ में दंश, बाकी समय मूर्धनुष। देखिए अमृधनुष का प्रयोग है, असंबोधन हो जाएगा हे नदी, हे नदी हर्षोई हो जाएगा, ध्यान देना है, हे नद्य ऊपर वाला, हे नद्यौ और हे नद्य, हे नद्य समुदाय कैसे समझ देते जाएंगे। अब इसकी हिंदी कर दिए, नदी ने दोनों नदियों ने, नदियों ने नदी को, दोनों नदियों को, नदियों को नदी से, दोनों नदियों से, नदियों से या नदियों के द्वारा, क्योंकि से द्वारा जरिए सहारे होता है ना इसका चीज, तृतीय कारण का संप्रदान चतुर्थी हो गया था क्या जगह को के लिए, तो नदी के लिए, दोनों नदी के लिए, दोनों नदियों के लिए और नदियों के लिए, यहां से जुदाई के अर्थ में, तो नदी से, दोनों नदियों से और बहुत सारी नदियों से या नदियों, नदियों का के की, दोनों नदियों का के की और नदियों का के की। यहां सप्तमी हो जाएगा मे पर, नदी में या नदी पर, दोनों नदियों में या दोनों नदियों पर, यहां नदियों में, नदियों पर, बहुत सारी नदियों में, बहुत सारी नदियों पर। आइए तो संबोधन है इसकी हिंदी क्या, तो ये आपका नदी हो गया। एक और आपको पढ़ना है नदी के बाद साधु, क्या पढ़ना है साधु, और ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, यहां लिखेंगे साधु, वैसे भी साधु शब्द जैसे ही कान में श्रवण होता है, सुनाई पड़ती है, तो चित्र उभरता है कि तिलक किए हुए, जटा रूट बढ़ाए, दाढ़ी मूछ बढ़ाए, एक सज्जन पुरुष कोई सामने खड़ा है। इसीलिए साधु का शब्दार्थ विद्वानों ने दिया सज्जन, साधु का अर्थ कोई अगर पूछे तो क्या कहेगा, सज्जन। और इसमें देखिए अंत किससे हो रहा है, ध में क्या है, ह्रस्व उ है, इसलिए यहां हम क्या लिख लेंगे, ह्रस्व उ, यानी ह्रस्व उ से ही अंत हो रहा है, तो ह्रस्व उ से अंत हो रहा है, आ उ को उकार कहेंगे, इसलिए ह्रस्व उकार अंत। अगर इसमें ऐसे कर देते हैं तो दीर्घ हो जाएगा, लेकिन ह्रस्व ऐसे ह्रस्व कर लेंगे। और ये कौन शब्द है, स्त्रीलिंग के पुल्लिंग, पुल्लिंग है, तो यहां लिख लेंगे पुल्लिंग, क्या लिख देंगे, पुल्लिंग लिख देंगे, पुल्लिंग शब्द रूप।
इनके रूप बदलेंगे, इसलिए अब नदी को तो मिटाना ना पड़ेगा। चलिए इसको लिख लिया है। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं साधु शब्द के रूप में। हाँ, एक चीज बताना हम भूल गए कि जो ये कई तरह का होता है, तो मिटा दिए। ऐसे तीन तरह से होता है, इसमें दो तरह से होता है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। हम कैसे ही दो था तो भूल गए हम, सॉरी, अभी दोनों एक था, पंचमी षष्ठी, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब साधु में साधु शब्द में देखा जाए, साधु शब्द के रूप कैसे चलते हैं। अब यहां लिखेंगे साधु साधु साधव साधु धरासो है, द्विवचन हो जाएगा था दीर्घ हो जाता है, यहां जाएगा साधव साधव साधु साधु साधव, यहां जाएगा साधुम, यहां जाएगा साधुम साधुम साधु साधुन साधु साधुन। अब देखिए दोनों से मान गया, सब याद करने का बड़ा अच्छा आसान तरीका है। अच्छा, तृतीया विभक्ति में हम लिखेंगे तो लिखेंगे साधुना, का लिखेंगे साधुना। इसमें तो व्यायाम लगता ही है, तृतीया चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में आप जानते हैं क्या कहता है, व्यायाम, तो सब व्यायाम 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 लगाते रहिए, तो साधु व्यायाम। नीचे भी लिख सकते हैं एडवांस में साधु व्याम, हालांकि लिखने का यह तरीका नहीं है, लेकिन बतलाने के लिहाज से मैं ऐसा लिख रहा हूं साधु व्याम। तरीका लिखने का ऐसा नहीं है। अब देखिए तीनों एक है ना। अच्छा, तृतीया में साधु ना साधु व्याम, तो क्या हो जाएगा साधु भी। इसमें तो तृतीया के बहुवचन में भी लगता ही है, जैसे लता भी है, नदी भी है, असाधु भी है। ये तरीका है साधु भी है, यहां साधु भी हो गया ना, ये ऊपर वाला सट गया है, साधु भी है। अब यहां चतुर्थी में क्या हो जाएगा, चतुर्थी में हो जाएगा साधावे, साधवे साधु व्याम साधु व्या। नीचे वाला भी तो साधु व्या हो ही जाएगा। आप जानते ही है कि बहुवचन में दोनों चतुर्थी और बहु ये पंचमी दोनों सेम हो जाता है, तो मालूम है व्या व्या रख करके चतुर्थी और पंचमी, यहाँ पंचमी पहले हम लिख दिए हैं। अच्छा, पंचमी में हो जाएगा साधो, पंचमी षष्ठी में जैसा चलता है एक वचन में, तो यहां भी साधो है, यहां भी साधो, दोनों सेम हो जाता है, दोनों क्या हो जाता है सेम हो जाता है। आ फिर हो जाएगा षष्ठी में साधु व्याम साधु व्या, है ना, थोड़ा सा तिरछा हो गया है ऐसे, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। साधु नाम साधु व्या, अच्छा चतुर्थी में हो जाएगा साधव, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, साधु व्या साधु व्या, ठीक है ठीक है। आप पंचमी में हो जाएगा साधो, ऊपर थोड़ा सा लिखा गया है, थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, ठीक है, साधो है, बताने के चक्कर में थोड़ा सा नीचे ऊपर लिखा गया, साधो साधु व्याम
साधु भैया आ षष्ठी में भी फिर वही लगा ना साधु आ दोनों सेम हो जाएगा एक ही चीज है यहां षष्ठी वक्त के द्विवचन में क्या आ जाएगा साधु है क्या आ जाएगा साधु है षष्ठी वक्त के बहुवचन में क्या चिन्ह बताते हैं नाम तो यहां क्या आ जाएगा साधु नाम साधु नाम ना यहां क्या आ जाएगा साधु नाम सट गया है थोड़ा सा साधु नाम और सप्तमी में क्या आ जाएगा साधौ साधौ आई तो द्विवचन में वही हो जाएगा जो कहते हो ना जो षष्ठी में होता है वही सप्तमी के द्विवचन में होता है यानी दोनों सेम हो गया साधो साधो आई इसमें तो सु लगता है बताए थे सप्तमी के बहुवचन में तो क्या लिखेंगे साधु शु आ इसमें संबोधन में तो जानते ही है हे साधु ये धू है तो इसको धो कर देते हैं क्या कर देते हैं धो करते हैं हे साधु ऊपर का वाला हे साधु हे साधवा ये साध वह मेरे प्रिय विद्यार्थी ध्यान देंगे देखिए याद करने का तरीका द्विवचन का ये प्रथमा द्वितीय एक तरह का है तृतीया चतुर्थी और पंचमी द्विवचन में एक तरह का है और इसमें षष्ठी और सप्तमी में एक तरह का है आप बहुवचन में एक तरह का कौन है केवल आपको ये चतुर्थी का बहुवचन और पंचमी का बहुवचन याद करने में आसानी होगी फिर एक वचन की अगर बात करें तो यहाँ पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन में दोनों एक जैसा तो ये याद करने के में बहुत ही सहूलियत मिलेगी और सुगमता से आप इसको याद कर लेंगे तो मेरे प्रिय विद्यार्थी ये तीन शब्द रूप को मैंने आज बताया इस भाग दस में और इसके अगले भाग दस के बाद जो भाग ग्यारह होगा पुनः हम भाग ग्यारह में मिलते हैं तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे जय माशा।